राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री को पूरे जीवन भर आरएसएस ने यही सिखाया कि केवल संघ की इज्जत करें और किसी की नहीं। कर्नाटक में येदुरप्पा सरकार गिरने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने मन से ये ख्याल निकाल देना चाहिए कि वे इस देश से बड़े हैं, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं से बड़े हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हत्या के आरोपी अमित शाह और आरएसएस को किसी संस्था की परवाह नहीं है। बीजेपी ने 100% लोकतंत्र के सभी स्तंभों को निशाना बनाया है, चाहे वे मीडिया ही क्यों ना हो। प्रधानमंत्री का व्यवहार किसी पीएम की तरह नहीं, एक तानाशाह की तरह है। राहुल ने कहा कि देश में कोई भी संस्थान ऐसा नहीं बचा कि जिस पर संघ ने निशाना ना बनाया हो। यहाँ तक कि गवर्नर को भी उन्होंने अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। येदुरप्पा ने दिया इस्तीफा। इससे पहले मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने विश्वास मत का सामना किए बगैर ही इस्तीफा देने की घोषणा कर दी और इस तरह कर्नाटक में 3 दिन पुरानी येदुरप्पा सरकार गिर गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि येदुरप्पा सरकार राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल करे। हालांकि राज्यपाल वजूभाई वाला ने येदुरप्पा को अपना बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। येदुरप्पा ने दिया भावुक भाषण। येदुरप्पा ने अपने भाषण में कहा, मैं मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देने जा रहा हूँ। मैं राजभवन जाऊंगा और अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। अपने भावनात्मक भाषण के बाद उन्होंने विधानसभा में कहा, मैं विश्वास मत का सामना नहीं करूंगा, मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। येदुरप्पा ने कहा वह अब लोगों के पास जाएंगे। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन का हुआ रास्ता साफ। येदुरप्पा के इस्तीफे के बाद अब राज्य में जेडीएस की राज्य इकाई के प्रमुख एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व में सरकार गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जेडीएस को कांग्रेस का समर्थन हासिल है। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन ने 224 सदस्य विधानसभा में 117 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। 2 सीटों पर विभिन्न कारणों से मतदान नहीं हुआ था, जबकि कुमार स्वामी 2 सीटों से चुनाव जीते थे।